लो गर्ल्स वेलकम टू मिस्टिक हिंदी टैरो कैसे हो आप सब लोग आई होप आई विश आई प्रे दिल से कि आप सब लोग ठीक होंगे अपना ख्याल रख रहे होंगे और पॉजिटिव सोच रहे होंगे सो so, आज हम कैंडल वैक्स रीडिंग ऑन पेपर करने वाले हैं जैसे कि आप देख रहे हो यहाँ पे आपको तीन अलग अलग पेपर्स दिख रहे होंगे मैं बताती हूँ आपको क्या है तो टॉपिक ये है कि आपके रिश्ते का पास्ट क्या था मतलब जिस भी पर्सन को सोचकर आप ये रीडिंग देख रहे हो आपके उनके साथ जो रिश्ता है उसका पास्ट क्या था मतलब पास्ट में वो क्या फ़ील कर रहे थे आपके लिए या क्या हुआ आप दोनों के बीच में प्रेजेंटली वो क्या फ़ील कर रहे हैं या प्रेजेंटली आपकी सिचुएशन क्या है उनके साथ और इस रिश्ते का एक प्रोबेबल फ्यूचर क्या हो सकता है लाइक इमीडिएट फ्यूचर या फिर क्या एक्शंस लेंगे वो वो हम इस रीडिंग में देखने वाले हैं तो एक प्रोबेबिलिटी है फ्यूचर इज़ द प्रोबेबिलिटी ठीक है तो पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर एनर्जीज़ हम चेक करने वाले हैं बट हमेशा जैसे मैं बोलती हूँ ध्यान रखिएगा कि एक जनरल टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा इस वीडियो के और अगर आपको हीलिंग रिचुअल करानी अपने रिश्ते के लिए अगर आपको नहीं पता तो मैं कैंडल हीलिंग भी करती हूँ आपके रिलेशनशिप की हीलिंग चाहे आपकी हीलिंग आपके करियर की हीलिंग जिस भी तरह की हीलिंग आप कराना चाहते हो आई डू दैट तो उसकी रिचुअल्स की भी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी व्हाट्सएप करिए मुझे मैं आपको बताऊंगी क्या चार्जेस है या क्या एनर्जी एक्सचेंज है और अगर आपको क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं कोई भी जैसे फॉर एग्जाम्पल ये है रोज कोर्स ये आपके हर रिलेशनशिप को ठीक करता है अगर आपके पार्टनर के साथ आपका रिश्ता खराब है हस्बैंड वाइफ के साथ रिश्ता खराब है सिबलिंग्स के साथ रिश्ता खराब है फैमिली में किसी के साथ था खराब है दोस्त आपके दूर हो गए यू कैन अट्रैक्ट लव विद दिस ब्रेसलेट नेक्स्ट एमेथिस्ट है जो आपके हेल्थ को वेल well बीइंग को मेंटेन रखता है ठीक करता है ब्लैक टोर्मालिन आपको बुरी नजर से बचाता है और अगर कोई बुरी नजर ऑलरेडी लग चुकी है आपको उसको भी खत्म करता है उसके इफेक्ट को और प्रोटेक्ट भी करता है आपको और ये है क्लियर क्वार्ट्स ये है एक बहुत ही प्रोफाउंड पावरफुल हीलिंग क्रिस्टल माना जाता है इसको आप जिस भी और क्रिस्टल के साथ इसको पहनोगे उस क्रिस्टल की पावर को ये बढ़ा देता है उसको नेचुरली एक लेंस करता है चार्ज करता है बूस्ट करता है तो आप ये दोनों मतलब इसको किसी के भी साथ पेयर अप कर सकते हो या इसको अलोन भी पहन सकते हो ठीक है बाकी डिटेल में अगर आपको जानना है तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा एज ऑलवेज़ तो चलो रीडिंग को शुरू करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ ग्रुप नंबर वन या कैंडल नंबर वन जिसमें हम देखने वाले हैं क्या आपके रिश्ते का पास्ट क्या था ठीक है सो so, हेलो चलो देखते हैं कि पास्ट क्या था इस रिलेशनशिप का ओके okay, तो मैंने कैंडल को कर लिया है लाइट अब देखते हैं व्हाट वाज द पास्ट ऑफ योर कनेक्शन अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराइए तीन बार पूरे दिल से पूरी शिद्दत से उनका नाम दोहराओ दोहराओ ताकि उनकी एनर्जी पिक हो और एकदम क्लियर मैसेजेस आपको मिले चलो लेट्स सी व्हाट वाज़ द पास्ट ऑफ दिस कनेक्शन वो क्या महसूस करते थे उनकी फ़ीलिंग्स इमोशंस क्या थी पास्ट में हम रिसेंट पास्ट देख रहे हैं ठीक है रिश्ते का के okay. सबसे पहले ना मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है आपके पर्सन को ऐसा फील होता था कि आप उनके साथ लॉयल नहीं हो ये या तो ये सच में ऐसा कुछ आपने किया था जिसके वजह से उनको ऐसा फील होता है या फिर उनकी मिसअंडरस्टैंडिंग भी हो सकती है बट दे डेंट ट्रस्ट यू पास्ट में उनको ट्रस्ट नहीं था आप पे या आपकी इंटेंशंस पे मुझे ऐसा लगता है कि पास्ट में भी इस पर्सन ने आपसे मूव ऑन करने का ट्राई किया आपको बुलाने का ट्राई किया इस रिश्ते को ख़त्म करने का ट्राई किया लेकिन जैसे ही वो मूव ऑन करने लग जाते थे दे स्टार्टेड मिसिंग यू उनको आपको आपकी याद आने लग जाती थी ओके okay? कहीं ना कहीं वो आपको लेकर इमोशनल हो जाते थे दैट इज़ समथिंग आई कैन सी हियर ये पर्सन कभी भी पास्ट में भी ऐसा नहीं हुआ है कि ये पर्सन गए और कभी वापस ही नहीं आए ये दे ऑलवेज़ केम बैक बिकॉज़ वो कभी भी आपसे फुल्ली मूव ऑन नहीं कर पाए ठीक है क्योंकि जब भी वो आपसे दूर हो जाते थे they started मिसिंग यू उनको लाइफ बहुत लोनली फ़ील होने लगती थी उनको अकेलापन महसूस होने लगता था उनको ऐसा लगता था कि मेरा कोई नहीं रहा मेरा मेरा साथ देने वाला कोई नहीं है या मेरे साथ कोई नहीं रहा आई एम अ लोन आई एम यू नो एक जैसे जैसे एक बच्चे से उसके माँ बाप छिन जाते हैं तो उसको कैसा फील होता है एग्जैक्टली exactly वैसा फीलिंग आपके पार्टनर को आने लगता है जब वो आपसे दूर हो जाते हैं जब या जब आप दोनों तो साथ नहीं होते हो दे स्टार्ट फीलिंग वेरी अलोन वेरी लोनली वेरी लेफ्ट आउट ठीक है बट हाँ पास्ट में डेफिनेटली ये इंसान अपनी फीलिंग्स को लेकर श्योर नहीं थे ऐसा नहीं था कि वो प्यार ही नहीं करते थे आपसे डेफिनेटली प्यार था लेकिन एक श्योरिटी एक अश्योरेंस जो होता है ना कि हाँ आई लव यू वो अश्योरेंस वो श्योरिटी मुझे इनके अंदर आपको लेकर नहीं दिख रही है दे वर नेवर हंड्रेड परसेंट श्योर अबाउट यू हमेशा उनके अंदर एक कन्फ्यूजन बनी रहती थी कि उनको आप चाहिए हो या नहीं चाहिए हो ठीक है इस पर्सन ने डेफिनेटली पास में कई बार आपको छोड़ा कई बार मूव ऑन करने का ट्राई किया और मूव ऑन भी हुए कई बार लेकिन सही मायनों में लाइक असलियत में मूव ऑन कभी नहीं हो पाए ट्राइड टू मूव ऑन एवरी टाइम फ्रॉम यू लेकिन वो हो नहीं पाया ठीक है और लास्ट टाइम जब आपकी बात हुई थी तभी भी ये पर्सन यही आपको बोले थे कि मैं मूव ऑन हो चुका हूँ ठीक है या फिर आपको ऐसा फील हो रहा था कि पर्सन मूव ऑन हो चुका है लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ जब भी इस पर्सन ने आपका साथ छोड़ा है जब भी इन्होंने आपसे बात करनी बंद कर दी है या जब भी किसी भी तरह से आपसे दूर हुए हैं वो जो डिसीजन था आपसे दूर होने का वो कभी भी इनके लिए आसान नहीं रहा वर ऑलवेज रिग्रेटिंग देयर डिसीजन हमेशा रिग्रेट किया और हमेशा इनको मुश्किल लगा आपसे दूर जाने का डिसीजन <coughs> मुझे एक रीज़न ये भी लग रहा है सी ये सबके साथ रेजोनेट नहीं करेगा जिसके साथ होता है वो रखिए बाकी लोग प्लीज इससे ऑफेंड मत होइए कई बार ऐसा भी हुआ है कि आप होते हुए भी इस पर्सन की नज़र किसी और पे गई है मतलब आपके साथ साथ इनके दिल में किसी और की भी बातें चल रही थी किसी और के लिए भी कुछ फील कर रहे थे तो हमेशा 100% परसेंट लॉयल तो ये आपके साथ नहीं थे पास्ट में मुझे ऐसा लगता है कि दर इज समथिंग अबाउट यू जब वो आपको मिलते हैं ना जब पास्ट में जब भी आपसे मिलते थे तो हमेशा इन्होंने आपको आपकी जो खुशबू है जो फ्रेग्रेंस है उसके लिए आपको इन्होंने बहुत बार कॉम्प्लीमेंट किया होगा या मे बी दिस पर्सन इज यू नो उनको एक पसंद है अगर कोई पर्सन अच्छा स्मेल करता है दे लाइक इट ठीक है सो so, या yeah. मुझे लगता है इस पर्सन के पास आपकी बहुत सारी फोटोज़ हैं जिसको ये अभी भी देखते हैं और वो कभी इन्होंने छोड़ा नहीं है दे दे दें टू लुक एट योर पिक्चर्स ऑलवेज दे सी यस दे दे कीप लुकिंग एट योर पिक्चर्स मुझे ऐसा लगता है कि आ, उन्होंने आपको छोड़ दिया तो वो बिग डील नहीं थी उनके लिए लेकिन आपने अगर उस पर्सन को जाने दिया अगर आपने उनको रोका नहीं या फिर उनको चेज नहीं किया वो चीज़ उनको ज़्यादा बुरी लगी है वो चीज़ उनको ज़्यादा हेट करी है ठीक है मुझे ये भी लगता है आप दोनों के बीच में दूरियों और की वजह यह भी थी कि उनको ऐसा लगता था कि आप दोनों सेम पेज पे नहीं हो या तो आप दोनों की रिलीजन अलग है या तो कल्चर अलग है फैमिली बैकग्राउंड अलग है या फिर कुछ ऊंच नीच डेफिनेटली इनको फील होती थी आपके साथ इनको मे भी ऐसा लगता था कि आप उनसे बेटर कोई पर्सन डिजर्व करते हो वो आपको डिजर्व नहीं करते हैं ठीक है आप उनसे बेटर हो कई मायनों में ऐसा बोला भी होगा मे बी पास्ट में उन्होंने आपको मुझे ऐसा लगता है पर्सन पास्ट में आपके बारे में ज्यादा मैं ये नहीं बोलूँगी देवर नॉट सीरियस अबाउट यू लेकिन वो ज्यादा फिजिकल होने के बारे में सोचते थे आपके साथ उनकी बहुत इच्छा थी टू बी फिजिकल विथ यू या फिर दैट वॉज समथिंग जो उनको आपसे जोड़े रखता था बिकॉज उनको एक क्रेविंग होती थी टू बी फिजिकल विथ यू ओके मुझे ऐसा लगता था इस पर्सन को एज पास्ट में ये भी फील होता था एट सम पॉइंट कि रिलेशनशिप जो है उनका आपका वो टॉक्सिक है या ड्रेनिंग है बहुत ज़्यादा उनको बहुत बर्डनिंग लगता था ये रिलेशनशिप जो कि डेफ़िनेटली उनकी एक गलत फहमी थी ऐसा कुछ था नहीं बट चीज़ें ऐसी होती गई कि उनको ऐसा फील होता था कि यू you नो know, ये रिलेशनशिप ही टॉक्सिक है आप दोनों कंपैटिबल ही नहीं हो आप दोनों के बीच में कभी भी यू uh, नो you know, चीज़ें ठीक उस लेवल पर नहीं हो सकती है मुझे ऐसा भी लगता है ये पर्सन बहुत ज़्यादा पास में ना लोगों के बारे में सोच रहे थे मेरी फैमिली क्या बोलेगी मेरे दोस्त क्या बोलेंगे या लोग क्या बोलेंगे ये मतलब तो वो कुछ तो लोग कहेंगे वाला सिनेरियो हमेशा ही रहता था इस पर्सन का कि पता नहीं लोग क्या समझेंगे किसी को पता चल गया तो या हमारा रिश्ता पब्लिक हो गया तो दे वर ऑलवेज़ वरीड अबाउट दर इमेज ठीक है इस पर्सन ने आपको पास में डेफ़िनेटली ऐसा भी बोला होगा या जताया होगा कि मुझे भूल जाओ और आगे बढ़ जाओ अपनी लाइफ में मैं तुम्हारे लिए अच्छा नहीं हूँ या अच्छी नहीं हूँ तुम मुझसे बेटर डिजर्व करते हो डेफिनेटली इस पर्सन एक टाइम पर बोला होगा और विक्टिम एनर्जी में बहुत ज़्यादा रहे हैं आपको खुद इन्होंने लेट गो कर दिया या जाने को बोला और खुद ही ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि आप इनको छोड़कर चले गए मतलब खुद ही बोलने का कि तुम मुझे छोड़ दो भूल जाओ और जब आप वो करते हो फॉलो उस चीज़ को तो बोलेगा कि तुमने मुझे छोड़ दिया यू you नो know, तुमने मुझे गलत समझा तुमने मुझे समझा ही नहीं तुमने मेरा साथ नहीं दिया मुझे लगता है पास्ट में भी इस पर्सन को भले ही या आप आप दोनों दूर हो गए या बात करनी बंद कर दी या बहुत कम बातें होना शुरू हो गई या कोई थर्ड पर्सन आप दोनों के बीच में आ गए लेकिन इनको हमेशा से ये फील होता रहा है कि आपके मन में इनके लिए बहुत स्पेशल फीलिंग्स है आपके मन में इनके लिए प्यार है मैं आपको एक चीज बोलू मुझे बहुत स्ट्रांगली ये चीज फील हो रही है कि जब ये आपके साथ थे तब उनको लगता था कि हम दोनों कंपैटिबल नहीं हैं हम दोनों लड़ते झगड़ते रहते हैं, हम दोनों की जोड़ी ठीक नहीं है कुछ मतलब हमेशा वो इस रिश्ते की गलतियाँ ही निकालते थे ठीक है लेकिन जो फीलिंग्स थी जो प्यार था वो बहुत डीप था बहुत स्ट्रांग था बहुत इंटेंस था वे भी वो मानते थे क्योंकि उनके लिए कोई चीज़ मैटर नहीं करती उनके लिए प्यार मैटर करता जो कि सच था जो कि सच्चा था दिखावा आप दोनों में से कोई भी नहीं कर रहा था <coughs> मुझे लगता है इस पर्सन ने बहुत फोर्सफुली मूव ऑन करने की कोशिश करी है आपसे पास्ट में इच्छा नहीं थी फीलिंग्स कुछ और थी और कर कुछ और रहे थे ठीक है बहुत हार्डली ट्राई किया इस पर्सन ने कि मैं मूव ऑन हो जाऊँ मैं भूल जाऊँ मैं आगे बढ़ जाऊँ लेकिन वो हो नहीं पाया और मुझे लगता है कि जब ये आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे ना इनका पास्ट बहुत ट्रॉमेटिक था या फिर इनके लिए आसान नहीं था आपके साथ रिलेशनशिप में आना ऐसा इनका मानना है कि इट वॉज ईजी कि मैं तुम्हारे साथ फिर से रिलेशनशिप में आया मैंने तुम पे ट्रस्ट किया बहुत मुश्किल से इनको लगता है कि मैंने ट्रस्ट किया मतलब उन्होंने आप पे ट्रस्ट किया था और आपके साथ रिलेशनशिप में आए थे और उनको सच्चा प्यार बहुत समय बाद मिला था ठीक है यस yes, ये मानते हैं कि आपसे मूव ऑन करना या आपको बुलाना डिफिकल्ट डिफ़िकल्ट है कई बार इनको ऐसा फील भी हुआ कि मूव ऑन हो गए हैं अब इनको फ़र्क नहीं पड़ता है अब वो बुला चुके हैं आपको लेकिन फीलिंग्स यू नो मेमोरीज बहुत स्ट्रांग है आपकी आपका इम्पैक्ट बहुत स्ट्रांग है इस पर्सन पे ये पर्सन प्लानिंग कर चुके हैं पहले से ही कि आपके पास आएंगे और ऐसा ऑफ़र लेकर आएंगे जिसको आप कभी मना नहीं कर पाओगे एक सॉलिड ऑफर ये आपके सामने लेकर आएंगे जिसको आप मान मतलब आपको मना करने का कोई मौका नहीं मिलेगा ठीक है डेफिनेटली इनके अंदर इस सेपरेशन की वजह से बहुत मेचोरिटी आ गई है ये सेपरेशन उन्होंने बहुत ग्रो किया ऑन अ फिज़िकल लेवल मेंटल लेवल इमोशनल लेवल अभी ये काफ़ी अलग पर्सनैलिटी बन चुकी है <clears throat> क्योंकि आपने भी दिखा दिया ना आप भी स्ट्रांग रहे आपने भी दिखा दिया कि तुम्हारे होने ना होने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है तुम मुझे डग मतलब तुम मुझे परेशान नहीं कर सकते हो तुम मुझे टॉर्चर नहीं कर सकते हो लेकिन यू you नो know, वही चीज़ आपके हक में काम किया आपने जितना स्ट्रांग रहे ना आप वही चीज़ उनको रियलाइज़ करवाने में काफ़ी रही कि आप कितने स्ट्रांग हो और आप चाहो तो मूव ऑन कर सकते हो उनसे ठीक है मैं ये नहीं बोल रही हूँ आप मूव ऑन हो गए इस पर्सन से लेकिन आपने अपनी स्ट्रांग साइड शो कर दी इस पर्सन को ठीक है जिसके बाद इनको रियलाइज़ हो गया कि मैं ऐसे ही नहीं कर सकता मैं ऐसे ही सामने वाले को परेशान करके एक्सपेक्ट नहीं कर सकता कि वो मेरे साथ ही रहेगा ओके आई ओपनिंग था डेफिनेटली आंखें खुली है इस पर्सन की मुझे लगता पास्ट में इन्होंने आपको दिखाना भी छोड़ दिया कि आपकी परवाह करते हैं या इन ये आपसे प्यार करते हैं इन्होंने बहुत मतलब आपको अपनी रूट साइड शो करनी शुरू कर दिया इग्नोर करना शुरू कर दिया आपको ऐसा दिखाना शो कर दिया शुरू कर दिया जैसे कि उन्हें कोई फर्क ही नहीं पड़ता आपके होने ना होने से उनकी लाइफ में ठीक है लेकिन डेफिनेटली फ़र्क पड़ता है बट मैं आपको एक चीज़ बोलूँ पास में ये पर्सन डेफिनेटली इनके लिए सेक्शुअली ये ज़्यादा अट्रैक्टेड थे आपकी तरफ यू नो देवर मोर ऑन दैट साइड जहाँ पे वो सेक्शुअली बहुत ज़्यादा क्रेव करते थे आपको ठीक है चलो इसको साइड में रख देते हैं और देखते हैं कि प्रेजेंट में ही वो क्या फील कर रहे हैं ओके okay, तो चलिए देखते हैं प्रेजेंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं फॉर यू फॉर दिस कनेक्शन चलिए लेट्स सी अपने पार्टनर के बारे में सोचिए उनका नाम भी दोहरा सकते हो तीन बार ताकि हम कनेक्ट करें उनकी फ्यूचर एनर्जीज को पिक कर पाए लेट्स सी प्रेजेंटली वो क्या महसूस कर रहे हैं अबाउट यू अबाउट दिस कनेक्शन लिटरली मुझे ऐसा लगता है, about you, about है ये तिल तिल जल रहे हैं <laughs> उनको देन, देन मतलब वो आपको दिखा रहे होंगे कि उनको किसी भी चीज़ का कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है जो कि उन्होंने पास्ट में भी किया उन्होंने आपको ऐसा शो किया कि उनको आपकी फ़िक्र नहीं है उनको आपकी कदर नहीं है वो आपसे प्यार नहीं करते एक्स वाई जेड जो भी लेकिन अभी भी मैं आपको वही बोलूँ वो दिखा रहे हैं आपको ऊपर से कि वो कितने यू नो क्लोज ऑफ़ है या उनको कोई अभी लेना देना नहीं है आपसे लेकिन फ़र्क बहुत पड़ रहा है इस पर्सन को और बहुत अफेक्टेड है उनके अंदर एक तूफान मचा हुआ है बहुत इमोशनली अनस्टेबल मुझे ये पर्सन इस वक्त दिख रहे हैं ठीक है, है? कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सिर्फ वही नहीं आप भी सेम चीज़ें फील कर रहे हो आप भी ऊपर से दिखा रहे हो आई एम स्ट्रांग मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता ठीक है आया गया तो कोई फ़र्क नहीं है लेकिन आपको बहुत डीपली अफेक्ट हो रहा है आप दोनों सेम फील कर रहे हो इस वक्त टू बी वेरी फ्रैंक जो फीलिंग्स आपकी है एग्जैक्टली exactly वही फीलिंग्स उनकी है ठीक है दोनों ही शो नहीं कर रहे हो मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन को आपकी फाइनली वैल्यू समझ आ रही है और वो बहुत डीपली चीज़ें फील कर रहे हैं अब आपके लिए ऑन अ डीपर लेवल ओके आ, इनको आप मतलब पहले ना ये काफ़ी एक धुंध में जी रहे थे एक अलग ही ट्रॉमा में जी रहे थे अलग ही जोन में थे अब क्या हो रहा है ना अब वो काफ़ी अवेयर हो गए हैं चीज़ों को लेकर अब वो आया गया नहीं आया गया वाला एटीट्यूड में नहीं है अब वो काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव और फिक्स्ड माइंडसेट में अब क्लैरिटी वाला माइंडसेट मुझे बहुत स्ट्रॉगली इस पर्सन का दिख रहा है अब ये सिर्फ टाइम पास वाले जोन में नहीं है जो भी फ़ील कर रहे हैं वो बहुत डीपर लेवल पे फील कर रहे हैं ठीक है इनको आपकी वैल्यू आपकी इंपॉर्टेंस समझ आई है और इस रिश्ते की गहराई समझ आई है सबसे इम्पोर्टेंटली बहुत कुछ अंडरस्टैंडिंग इस पर्सन को हो रही है जैसे आंखें खुल रही है एक वेकअप कॉल मिल रहा है इस पर्सन को यूनिवर्स कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें इनके आसपास ऐसे घटित कर रहा है मे बी इनको बार बार आपका नाम दिखाई दे रहा है या फिर यू you नो know, उनको कुछ टेलीपैथिकली आप कम्युनिकेट कर रहे हो वो समझ आ रहा है उनको कनेक्ट हो पा रहे हैं आपसे यू you नो know, बहुत स्ट्रांग रियलाइजेशन इस पर्सन को हो रही है जैसे दिमाग की बत्ती जल गई है इस पर्सन की एकदम होश में आ गया है ये इंसान ओके okay? मुझे लगता है ये पर्सन का अभी सबसे पहला जो Uh, क्या कहते हैं इच्छा है या सोच है इनकी जो ये करना चाहते हैं वो ये है कि वो आपके साथ एक पीसफुल रिजोल्यूशन वाली सिचुएशन में आना चाहते हैं मतलब मसले को सॉर्ट आउट करना चाहते हैं और आपके साथ लड़ाई नहीं रखना चाहते या फिर आपके मन में उनको लेकर कोई नाराजगी हो गुस्सा हो मिसअंडरस्टैंडिंग हो वो नहीं चाहते दे वॉन्ट पीसफुल रिजोल्यूशन विथ यू देखो वो इवन दोस्ती भी रखने के लिए तैयार है अगर आप कंफर्टेबल नहीं हो अभी उनके साथ उनके ऊपर ट्रस्ट करने के लिए उनसे रिश्ता बनाने के लिए या उनके करीब जाने के लिए वो दोस्ती से भी शुरुआत करने के लिए तैयार है गौर करिए मैं क्या बोल रही हूँ शुरुआत जाएगी बात तो रिश्ते तक ही देखो एक बार अगर आप किसी के साथ रोमांटिक रिलेशनशिप में रहे हो ना आप सिर्फ दोस्ती उनके साथ नहीं रख सकते चाहे कितनी भी कोशिश कर लो ठीक है तो ये पर्सन एक शुरुआत चाहते हैं चाहे फिर वो दोस्ती से ही क्यों ना हो क्योंकि अभी वो बहुत अकेला महसूस कर रहे हैं ऐसा नहीं है कि वो अकेला महसूस कर रहे हैं उनको कोई चाहिए इसलिए उनको आपकी रही है वो जेन्यूनली आपके लिए चीज़ें फील कर रहे हैं क्योंकि हो सकता है उनके लाइफ में इस वक्त बहुत सारे लोग हो फ्रेंड्स हो सकते हैं फैमिली हो सकती है या कोई है जो उनको पसंद है या कोई उन कोई और है जो उनको पसंद करता है बट फिर भी वो एक अकेलापन महसूस कर रहे हैं एक स्ट्रेंज लोनलीनेस फील कर रहे हैं आपके बिना उनके दिमाग से ना आप जा ही नहीं रहे हो वो अभी भी आप पे ही अटके पड़े हैं वो अभी भी ऑप्सेस कर रहे हैं अभी भी वो आपको देखते हैं आपको स्टॉक करते हैं स्पाई करते हैं मतलब उनकी सारी बातें जुड़ी हुई है अभी भी आपसे दे कांट रिमूव यू टोटली फ्रॉम देयर हार्ट एंड माइंड मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन अब ना अपनी फीलिंग्स को भी समझ चुके हैं बड़ी ही क्लैरिटी के साथ और वो अपनी फीलिंग्स को आपके सामने भी रखना चाहते हैं पूरी क्लैरिटी के साथ पूरी ईमानदारी के साथ पूरी सच्चाई के साथ क्योंकि अब वो ऑनेस्ट होना चाहते हैं रिश्ते में अब वो छुपाना नहीं चाहते प्रिटेंड नहीं करना चाहते दिखावा नहीं करना चाहते अगर कोई बात ऐसी है जो आपको पता होनी चाहिए लेकिन उन्होंने आज तक आपको बताई नहीं तो वो भी वो आपको बताना चाहते हैं ताकि कोई बात छुपी ना रहे कोई अनक्लैरिटी ना रहे ठीक है <coughs> मुझे ऐसा लग रहा है इस पर्सन को बहुत डर लग रहा है आपको फेस करने से आपसे आपके सामने आने से आपसे आप बात करने में आपको कॉल मैसेज करने में और ये डर भी ना मुझे लगता है कि उसका कोई सर पैर नहीं है क्योंकि देखो उनको भी बहुत अच्छे से पता है कि आप कितना प्यार करते हो उनसे तो डरने का तो कोई मतलब ही नहीं बनता है बट ये डर है अभी ठीक है उनको ऐसा लगता है क्या पता आप उनको मना कर दोगे क्या पता आप उनको यू you नो know, जैसे उन्होंने आपको छोड़ दिया एक टाइम पे वैसे ही रिवेंज लेने के लिए क्या पता आप उनको आगे जा छोड़ दोगे कुछ डर है इस पर्सन के अंदर स्पेशली रिजेक्शन का डर है फियर है उनके अंदर और उसकी वजह से वो और सैड हो रहे हैं क्योंकि डर के वजह से एक्शन नहीं ले पा रहे और एक्शन नहीं ले रहे तो अकेलापन आ रहा है और मिस कर रहे है आपको तो एक खालीपन एक जैसे हम कोई बहुत ही स्पेशल चीज़ खो देते हैं तो हमें कैसा फ़ील होता है कि यार खो दिया मैंने लॉस हो गया मेरा यू you नो know, वो हम रोना और एक यू you नो know, आंसू देखो आंसू आना का आंसू आना मतलब ही रोना नहीं होता है जब दिल रोता है ना वो बहुत बुरा फीलिंग होता है जब दिल रोता है हम अंदर से पसीज जाते हैं डिप्रेस हो जाते हैं हम वैसे ही पर्सन आपके फ़ील कर रहे हैं और उनको अभी भी यकीन है कि एक दिन ऐसा आएगा कहीं तो ऐसा वो गाना गाना है आपने कहीं तो कहीं तो होगी वो दुनिया ना, 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 ना समझ लो तो वो एग्जैक्टली exactly मुझे वो फीलिंग उनकी लग रही है कि कभी तो होगा वो टाइम कभी तो एक वक्त आएगा जब हम साथ होंगे कभी तो तुम मुझे माफ करोगे कभी तो तुम रिप्लाई दोगे या कभी तो मैं कुछ कह पाऊँगा तुमसे वो गाना ज़रूर सुनना इस वीडियो के बाद तुरंत सुनना कहीं तो होगी वो दुनिया जो समथिंग ऐसा कुछ मुझे याद नहीं अभी क्या है ये पर्सन लिटरली देखो मैं आपको बोल रही हूँ ना ये पर्सन खुद थे जो आपसे दूर गए लेकिन अभी उनको ऐसा फील हो रहा है कि जैसे आप उन्हें छोड़ के जा रहे हो क्योंकि अब वो आपकी एनर्जी को फील ही नहीं कर पा रहे हैं ओके okay, अब उनको लग रहा है आप उनको छोड़ रहे हो अब आप उनको डिसमिस कर रहे हो अब आप उनको कोल्ड बिहेवियर दे रहे हो अब आप उनसे दूर जा रहे हो एंड नॉट टेकिंग इट एनी गुड ठीक है होप्स बहुत है इस पर्सन को बहुत होप्स है हिम्मत रखी हुई है आपको नोइंगली अनोइंगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं मांग रहे हैं आपको दुआओं में ठीक है चाहत तो बहुत है इस पर्सन की ठीक है एक चीज़ मैं आपको और बता दूँगी बता दूँगी जो आपको सुनने में थोड़ी बुरी लग सकती है लेकिन लस्ट अभी भी टॉप प्रायोरिटी पे है इस पर्सन के बिकॉज दे वॉन्ट टू बी फिजिकल विथ यू वो आपको फील करना चाहते वो आपको टच करना चाहते वो आपके साथ सेक्शुअल फैंटेसीज अपनी बहुत सारी पूरी करना चाहते हैं सो लस्ट तो वो अभी भी आपके ऊपर कर रहे हैं पास्ट में भी था लस्ट वाला एनर्जी अभी भी है मुझे लगता है पर्सन ना लिटरली अभी बहुत थक चुके हैं वो गाना सुना है आपने चल घर चले मेरे हमदम अब थक चुके मेरे कदम ज़रूर वो भी गाना सुनना क्योंकि लिटरली वो एनर्जी उस पर्सन की है कि थक गया हूँ मैं यू you नो know, कब तक भागूंगा खुद से तुम से मेरे प्यार से तुम्हारे प्यार से फीलिंग से यू you नो know, मुझे यहाँ पे लगता है कुछ लोगों के तो रिश्ते बहुत लंबे हैं बहुत टाइम से हो आप लोग साथ में और बहुत टाइम से प्रॉब्लम्स भी चल रही है आप दोनों के बीच में मुझे लगता है इस वक्त ये पर्सन के जो इमोशंस है ना उसका कोई ठिकाना ही नहीं है कोई इमोशन कहाँ जा रहा है इनका तो कोई इमोशन कहाँ जा रहा है कभी क्या फ़ील कर रहे हैं तो कभी क्या फ़ील कर रहे हैं एक स्टेबिलिटी नहीं है इनकी फीलिंग्स में एक क्लैरिटी नहीं है ओके चीज़ों को वो ठीक से समझ नहीं पा रहे हैं बहुत ही यू you नो know, और इस वजह से मे बी आपको समझ भी नहीं आ रहा है कि इंसान मेरे लिए क्या फ़ील कर रहा है क्योंकि वो खुद ही कन्फ्यूज़्ड है उनको ख़ुद को कोई क्लैरिटी नहीं है ठीक है तो आपको क्या क्लैरिटी देंगी राइट मुझे ऐसा लगता है कि आप कहीं ना कहीं ना आपने जो इनको चेज़ करना छोड़ दिया आप एकदम रेजिस्टेंट हो गए एकदम चुप हो गए आपको मे बी चीज़ें बहुत टॉक्सिक लगने लगी या आपने कहीं ना कहीं पीछा करना छोड़ दिया मनाना छोड़ दिया तो ये चीज़ इस पर्सन को खटक रही है बहुत अलग ही लेवल पे ठीक है बहुत सी चीज़ें आपकी इस पर्सन को खटक रही है इनको पच पच नहीं रही है हज हाज, हाजमा इनका थोड़ा सा बड़गड़ गड़बड़ हो गया है उनको लग रहा है कि यार ये मुझे नहीं चेज़ कर रहा ये मुझसे बात नहीं कर रही मैं इसको मैसेज पे मैसेज कर रहा हूँ या मैं चाहता हूँ कि ये मुझे मैसेज करे सामने से अब तक तो आ जाना चाहिए था इसका मैसेज तो बहुत अलग अलग सिचुएशंस फील कर रहा है ये पर्सन मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लगता है कि पर्सन आपके साथ एक एक्साइटिंग टाइम स्पेंड करना चाहते हैं जहाँ पर ना उनको ना मतलब उनकी लाइफ ना उनको ऐसा लगता है कि लाइफ तो चल रही है लेकिन सब कुछ बहुत डेड सा फील हो रहा है उनको अगर कोई गुड न्यूज़ भी मिल रही है ना वो गुड न्यूज़ भी उनको बैड न्यूज से बैड न्यूज से ही लग रही है क्योंकि आप नहीं हो ना जिसको वो बता सके या शेयर कर सके वो एक्साइटमेंट वो क्यूरियोसिटी वो चेजिंग मनाना रूठना वो सारी चीज़ें वो बहुत मिस कर रहे हैं दे वॉन्ट गुड टाइम विथ यू नाउ सेकेंड चांस चाहते हैं मौका चाहते हैं रिकनसाइल करना चाहते हैं अपॉर्चुनिटी चाहते हैं कि एक अपॉर्चुनिटी मिले और वो चीज़ों को रिजॉल्व करें आपके साथ ओके okay. अब वो आपके साथ ना पास्ट में मैंने याद है आपको जब हम भी अभी हम लोग पास्ट की रीडिंग कर रहे थे पास्ट एनर्जी की तब वो क्या महसूस कर रहे थे कि हम दोनों बहुत इनकम्पैटिबल है हम दोनों एक दूसरे के लायक नहीं है या हम दोनों एक दूसरे के यू नो कम्पैटिबल नहीं है हमारे हम दोनों लेकिन अब उसके उल्टा फील करते हैं अब वो आपके साथ बहुत कंपैटिबल फील करते हैं उनको आपके साथ बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगता है हैप्पी लगता है ठीक है जैसे भी हो देखो अब मुझे एक बात बताओ कोई इंसान आपको परफेक्ट नहीं मिल सकता ना कोई इंसान ऐसा नहीं होगा ना कि एकदम परफेक्ट पर्सन आपको मिले खामियाँ सब, सब में होती है आप में भी होती है उसमें भी होंगी तो ये पर्सन समझ चुके हैं कि खामियों के साथ एक्सेप्ट करना ही प्यार है उस चीज़ को एक्सेप्ट करना ही प्यार होता है ये पर्सन अब अपनी दिल की आवाज़ सुन रहे हैं हो सकता है आप ये कुछ यू you नो know, आपको कभी कभी ऐसा फील होता है क्या कि पर्सन मुझसे कुछ कहना चाहता है कुछ बोलना चाहता है कुछ तो आपको ऐसा फील होता होगा कि कुछ बोल रहा है मुझसे कुछ कह रहा है कुछ मैसेज आपको कन्वे कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये टेलीपैथी हो रही है आप दोनों के बीच में ठीक है ये आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं जो भी इन्होंने गलत सलत किया है आज तक आपके साथ वो बहुत अपोलोजेटिक है उस चीज़ के लिए और वो आपसे सॉरी बोलना चाहते हैं वो माफ़ी मांगना चाहते हैं और आपके लाइफ में रिटर्न आना चाहते हैं ओके मुझे इनके अंदर की जो फेमिनाइन एनर्जी होती है ना जो कंपैशनेट होती है जो फॉरगिविंग होती है नर्चरिंग होती है वो एक्टिवेट हुई है ऐसा लग रहा है कहीं ना कहीं इनकी फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस हुई है जिसकी वजह से अभी प्यार अब आप मे बी मैस्कुलिन एनर्जी आपकी बहुत स्ट्रॉन्ग हो गई है मे बी आप अभी खुद के करियर पे ध्यान देना चाहते हो खुद पे ध्यान देना चाहते हो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाहते हो और ये पर्सन बहुत इमोशनल एनर्जी में आ गए हैं तो समझ रहे हो चीज़ें बदल गई है अभी सिनारियों काफ़ी बदल गया है सो so, यही एनर्जी थी उनकी अभी प्रेजेंट की अब देखते हैं सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट जिसका आप वेट कर रहे हो कि इस पर्सन के नेक्स्ट एक्शन प्रोबेबल या फिर फ्यूचर एक्शंस या फिर फ्यूचर एनर्जीज या इस रिश्ते का ओवरऑल फ्यूचर क्या लाइक इमीडिएट फ्यूचर क्या हो सकता है ठीक है तो चलो आगे बढ़ते हैं हेलो आएस चलिए देखते हैं फ्यूचर एनर्जीज एक प्रोबेबिलिटी हम देख रहे हैं मैं फिर से बार बार रिपीट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि हम टाइमलेस जनरल कलेक्टिव रीडिंग कर रहे, रहे हैं राइट right? तो प्रोबेबल नेक्स्ट एक्शंस या पास्ट सॉरी फ्यूचर इस रिश्ते का क्या हो सकता है लेट्स सी तो मैंने यहाँ पे कर लिया है कैंडल को लाइट अब देखते हैं तीन बार प्लीज़ अपने पार्टनर का नाम दोहराइए ताकि हम उनकी फ़्यूचर एनर्जीज़ को पिक कर सकें और आपको क्लियर मैसेजेस मिल सके डिवाइन वे प्लीज़ बताए क्लियर मैसेजेस दीजिए फ्यूचर एनर्जीज़ क्या हो सकती है मुझे बहुत स्ट्रांगली ऐसा लग रहा है फ्यूचर में ये पर्सन ना आपसे एक मौका मांगेंगे दे विल से कि प्लीज मुझे एक मौका दो मे बी वो डायरेक्टली ना बोले मे बी आप वो आपको ये बोले कि काश मुझे एक मौका मिलता और मैं चीजों को सही कर पाती या सही कर पाता काश मैं पास्ट में जा पाता और मैं चीजों को ठीक कर पाता सो इन डरेक्टली वो आपसे एक मौका मांगेंगे डायरेक्टली इनडिरेक्टली आई डोंट नो बट डेफिनेटली एक मौका मांगेंगे और जाहिर करेंगे कि वो कैसे ठीक करना चाहते हैं कैसे उनकी चाहत है रिश्ते को ठीक करना और ए पर्सन इवन आपको ये चीज़ बोल सकते हैं या फिर जता सकते हैं कि तुम अब पहले जैसे नहीं रहे तुम बदल गए हो बट उनको यही समझ में आना चाहिए कि बदले किस वजह से हो आप उन्हीं के वजह से हो ना अगर इंसान हमें फॉर ग्रांटेड लेता है गलतियों पे गलतियाँ करता है तो हम चेंज हमको एक टाइम पे होना पड़ता है इवॉल्व करना इज़ द ओनली थिंग जो हमको पीस ऑफ माइंड देगा वरना हम हमेशा मिजरी में रहेंगे परेशानी रहेंगे तो आपके पर्सन आप को ऐसा फील होगा या फिर वो आपको ऐसा बोल भी सकते हैं कि तुम ना बहुत बदल गए हो तुम पहले जैसे नहीं रहे ये इवन आपसे बोल सकते हैं कि प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो मेरी ज़िंदगी में वापस आ जाओ मुझे वो रिश्ता चाहिए तुम्हारे साथ मुझे रिलेशनशिप चाहिए आई वॉन्ट यू यू नो कम बैक टू मी मेरी जगह मेरे दिल में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता वो रियलाइज़ करेंगे और आपको इवन बोलेंगे कि नहीं मेरी लाइफ में तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता यू आर दी ओनली पर्सन जो मेरे दिल में थे हो और हमेशा रहोगे इस पर्सन को ऐसा भी फील हो सकता है इन द फ्यूचर कि आप उनसे अब प्यार नहीं करते या फिर आपका प्यार कम हो गया है वो अट्रैक्शन वो पैशन वो नहीं रहा आपके अंदर इस पर्सन को लेकर ठीक है या तो ये ऐसा फील करेंगे जो भी चीज़ें मैं बोल रही हूँ ना ये या तो वो फील करेंगे या तो बोलेंगे आपको जताएंगे ठीक है लेकिन डेफिनेटली दे आर गोइंग टू फील के अब आप उनसे प्यार नहीं करते पहले जैसा ओके okay. इनको इवन रिग्रेट फील होगा कि जो थोड़ा बहुत एक दोस्ती वाला रिश्ता था या बातचीत होती थी हाय हेलो होती थी कभी फ़ोन पे बात हो जाती थी वो भी अब नहीं हो पाती है दे हैव लॉस्ट एवरीथिंग थिंग विद यू मतलब पूरा स्कोप ही उन्होंने खो दिया इस रिलेशनशिप मतलब दे लॉस्ट एवरी थिंग इन दिस कनेक्शन विथ यू दे गोइंग टू फील रिग्रेट पछतावा तो इस पर्सन को भल भर, भर के होने वाला है मुझे ऐसा लगता है कि इस पर्सन को रियलाइज होने वाला है कि जैसे उनके लाइफ में बाकी लोग हैं बाकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है बाकी, है, बाकी चीज़ें हैं जिनके लिए आज तक वो आपको इग्नोर करते आए वैसे ही आप भी तो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो आपका साथ देना आपकी केयर करना अपने प्रोमिस को फुलफिल करना ये भी तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है तो हो सकता है ये फ्यूचर में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझे आपको और रिश्ते को निभाने की पूरी अपनी तरफ से कोशिश करे मुझे ऐसा लगता है इस पर्सन के मन में अगर आपको लेकर कोई गिले शिकवे है कोई गुस्सा है कोई नाराजगी है किसी चीज़ को लेकर मनमुटाव है आप दोनों के बीच तो वो आपको माफ़ कर देंगे फ्यूचर में ठीक है अगर वो बोल रहे थे कि मैं तुम्हें तो कभी माफ़ नहीं करूंगा इस चीज़ के लिए तो उस चीज़ के लिए भी वो आपको माफ़ कर देंगे मुझे ऐसा भी लग रहा है बहुत स्ट्रांगली कि अगर आप ऐसे ही चुप रहते हो अगर आप एक्शन नहीं लेते हो आगे भी फ्यूचर में आप स्ट्रांग बन के रहते हो अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखते हो अपने लिए स्टैंड लेते हो और जितना मैं बोलती हूँ आपको जितना आप चुप रहोगे ना उत जितना क्या बोलते हो उसको रिएक्ट नहीं करोगे ना कुछ भी अपनी तरफ से उतना इस पर्सन को वो चीज़ खाएगी बहुत परेशान करेगी क्योंकि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं लेकिन आपकी साइलेंस आपका चुप रहना रिप्लाई ना करना एक्शन ना लेना रिएक्ट ना करना ये चीज़ उनको और ज़्यादा परेशान करती है जितना इनको आपकी रिएक्शन पास्ट में चुपती थी ना अभी ही आपका रिएक्ट ना करना उतना ही ज़्यादा उनको चुभेगा तो साइलेंट ट्रीटमेंट अपना हो इस पर्सन पे जितना हो सके इवन ये गिल्टी फील करने वाले आज तक इन्होंने जो भी किया है आप आपके साथ भला बुरा जो भी किया है दे आर गोइंग टू फील गिल्टी और आपको लेकर जो मन मुटाव है गुस्सा है कि तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया तुमने मेरे साथ वैसा क्यों किया तुम ऐसे क्यों कर रहे हो तुम वो सारी चीज़ें मेल्ट होने वाली है वो सब गिले शिकवे इनके ख़त्म होने वाले हैं आपके लिए जो भी इनके मन में है ओके okay, कोई गिला शिकवा नहीं रहेगा कोई नाराजगी नहीं रहेगी और एकदम क्लियर हो जाएगा इनका दिल आपके लिए दे आर गोइंग टू फील वेरी क्लियर अबाउट यू कि नहीं भाई उसका डिसीजन था उसने जो किया वो सही किया मुझे ऐसा लगता है ये पर्सन आपको इवन ऐसा भी बोल सकता है अगर इनको मौका मिलता है तो दे विल से कि तुम मानो या ना मानो लेकिन जो प्यार मैं तुमसे करता हूँ वो तुम नहीं समझोगे तुम्हें मानना है तो मानो नहीं मानना है तो मत मानो लेकिन मेरा प्यार नहीं खत्म होगा या फिर मैं डिनाई नहीं करूँगा कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ ये इवन आपसे एक पास्ट कनेक्शन फील करेंगे इनको लगेगा कि तुम्हारे साथ मेरा कोई पिछले जन्म का रिश्ता है या हमारा जन्मों जन्म का कोई वास्ता है रिश्ता है इस जन्म का नहीं है मुझे ये पर्सन फ्यूचर में आपकी जो मेमोरीज है इनके साथ आपने जो इनके साथ मेमोरीज क्रिएट करी है या उन्होंने आपके साथ जो मेमोरीज बनाई हैं वो मेमोरीज को रिवाइंड कर रहे करते हुए मुझे दिख रहे हैं उन मेमोरीज के बारे में सोचते हुए उसे फील करते हुए दिख रहे हैं इनको रियलाइज़ होगा कि आपके साथ इनका कोई स्पेशल बॉन्ड है सोलमेट कनेक्शन है देखो मैं ये नहीं बोल रही हूँ उनको पता है कि सोलमेट क्या होते हैं लेकिन हम टीवी में वेब सीरीज में आज सॉन्ग्स में ये बातें सुनते ही है ना कि सोलमेट है, है तो मेरा सोलमेट है तो दे आर गोइंग टू लिटरली फील दैट कि आप उनके सोल हो क्योंकि वो कनेक्शन उनको आपके साथ फील हो है ये आपको फ्यूचर में खुद कॉन्टैक्ट करेंगे ये मैं आपको बहुत क्लियरली बता दूँ ठीक है और ये आपको ये भी चीज़ जता देंगे कि पास्ट में मुझे तुम्हारे बारे में जो चीज़ पसंद नहीं आती थी या जिन चीज़ों को लेकर मैं लड़ता था तुमसे आई लव दैट थिंग्स अबाउट यू अब मुझे तुम पूरे के पूरे पसंद हो तुम मुझसे गुस्सा करो नाराज़ हो जाओ शक करो कुछ भी करो आई टेक इट आई लव यू ठीक है मुझे ऐसा भी लगता है कि ए पर्सन आपको दिया हुआ सारा दर्द दुख ले लेंगे ये आपका सारा दर्द ये इवन ऐसा बोल सकते हैं कि ठीक है मैंने तुम्हें बहुत दुख दिया मैंने तुम्हें बहुत दर्द दिया लेकिन यू नो आई एम सॉरी एंड मैं तुम्हें ठीक करूँगा मैं खुद तुम्हारे दर्द को ठीक करूँगा ये आपको इवन बोल सकते हो मुझे तुम्हें देखना है मुझे तुम्हें मिलना है मुझे तुम्हें फील करना है ठीक है ये आपकी फ़ोटो भी मांग सकते हैं फर्स्ट टाइम जब आपकी बात होगी इस पर्सन से या फिर ये वीडियो कॉल की बात कर सकते हैं या मिलने की बात कर सकते हैं से फेस टू फेस दे वॉन्ट टू सी यू ये इवन आपसे सॉरी बोलेंगे कि जैसे भी मैंने तुम्हारे साथ ट्रीट किया आई एम सॉरी फॉर देट मुझे माफ़ करो आई वॉज़ मे बी मैं मेच्योर था मे बी मैं, मैं इम्पलसिव था मुझे लगता है ये पर्सन सॉन्ग्स बहुत सुनते हैं लाइक दे लव लिसनिंग टू सॉन्ग्स और जब भी वो सॉन्ग सुनेंगे इसके आगे भी इसके पहले भी सुनते आए हैं तो उनको आपकी याद आई है लेकिन जब आगे भी जब भी कोई सॉन्ग सुनेंगे ना उनको आपकी ही याद आएगी ठीक है, है? ये आपसे इवन कह सकते प्लीज़ मुझे एक मौका दो मुझे एक चांस दो इवन ये ऐसा भी बोल सकते हैं कि ठीक है तुम्हें मुझसे प्यार नहीं करना ना ठीक है लेकिन मैं तुमसे हमेशा प्यार करता रहूँगा या करती रहूँगी चलेगा मुझे यू you नो know? लेकिन फिजिकली ये पर्सन बहुत अट्रैक्ट होने वाले हैं फ्यूचर में और ये अपनी ये फीलिंग आपके सामने रखेंगे कि यू नो आई वांट टू बी फिजिकल विथ यू आई वांट टू टच यू आई वांट टू फील यू लेकिन हाँ एक चीज़ तो है कि पर्सन का जो फीलिंग्स है जो प्यार है जो इमोशंस हैं आपके लिए वो बढ़ती ही जाएगी वो और गहरी होती जाएगी ठीक है तो या दैट इज इट दैट वॉज इट कैसी लगी आपको ये रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर से बताइएगा आपका जो इनपुट होता है ना जो आप बताते हो वो मुझे बहुत पसंद आता है बहुत मोटिवेट करता है मुझे सो ऐसे ही कमेंट्स करते रहिए लाइक like करते रहिए वीडियो को क्योंकि लाइक like करोगे तो ज़्यादा लोगों तक वीडियो पहुँचेगी ज़्यादा लोगों को मदद होगी ठीक है तो आपका एक गुड डीड बन जाएगा कहीं ना कहीं अगर आप मुझे एनर्जी एक्सचेंज देना चाहते हो इस रीडिंग के बदले तो इस वीडियो को लाइक कर दो और एक प्यारा सा कमेंट छोड़ो ठीक है तो कैसे लगी रीडिंग आप मुझे कमेंट्स में बताओ वीडियो को लाइक करो शेयर करो और अगर आपको पर्सनल रीडिंग लेनी है रिचुअल्स कराने हैं या फिर आपको कोई भी क्रिस्टल प्रोडक्ट लेने हैं तो रीच आउट करो मेरा नंबर और हाँ मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ कि ये जो क्रिस्टल प्रोडक्ट होते हैं ना ये मैं आपको एक्टिवेट करके देती हूँ इसके ऊपर प्रॉपर एक प्रोसीजर होता है आप जिनके नाम से इसको एक्टिवेट कराना चाहते हो अपने या किसी और के नाम से उस नाम से इसको एक्टिवेट करके आपको दिया जाता है ठीक है जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ अब देखो ये जो बटरफ्लाई लाइट है ठीक है अब इसके अगर मैं फॉर एग्जाम्पल एग्ज़ाम्पल देने पड़ते हैं आजकल लोगों को किसी भी चीज़ पे भरोसा ही नहीं होता है मैं आपको अगर ये जो बटरफ्लाई है ये मैं आपको ऐसे ही दे दूँ ठीक है तो इसका आपको कुछ यूज़ नहीं होगा राइट और हो ऐसा समझो कि इसको बहुत स्पेशल सेल ही लगते हैं इसको कोई भी नॉर्मल सेल से आप चला नहीं सकते हो बैटरीज इसको बहुत स्पेशल लगते हैं और अगर मैं आपको ये दूँ इस तरह से अब आपको पसंद आएगा राइट तो इसी तरह से ये क्रिस्टल्स होते हैं अगर ये आप कहीं से ले लेते हो सपोज करो आपने इसको कहीं और ऑनलाइन से मंगा लिया ठीक है बट इसका आपको कोई यूज़ ही नहीं होगा क्योंकि ये सिर्फ क्रिस्टल है मैं ये नहीं बोल रही हूँ ये काम नहीं करेगा लेकिन ये आपके लिए उतना इफ़ेक्टिवली काम नहीं करेगा क्योंकि इस पर आपका नाम से या किसी के नाम से इसको एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो जो लोग मुझे आके पूछते हैं ना कि दी यू नो you know, ये कहीं और भी मिल जाता है ये वो तो बेशक लीजिए वहाँ से काम तो करेगा क्योंकि क्रिस्टल है क्रिस्टल्स काम करते ही है आ, बट इसका इफ़ेक्ट दुगना तिगना हो जाता है या आपके लिए ज़्यादा इफेक्टिव तब होता है जब आप इस, इसको अपने नाम से एक्टिवेट कराओ समझ रहे हो तो एक्टिवेट करने वाले इंसान को नॉलेज भी होनी चाहिए उसको कैसे एक्टिवेट करना है ठीक है सो so, इसीलिए मैं बोल रही हूँ कि अगर आपको एक्टिवेटेड क्रिस्टल प्रोडक्ट्स लेने हैं तो मेरा नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा मिलते अगली वीडियो में ज़्यादा कुछ नहीं बोलूँगी बाय